ओके सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर सिन्हा और आप देख रहे हैं व्लॉगर ईश्वर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखते हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से क्या कुछ अपडेट आमान परिवर्तन से जुड़ी साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है। वर्तमान समय तक कितना कार्य आखिरकार हुआ आमान परिवर्तन का शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर, आज के इस वीडियो में देखते हैं। आज की वीडियो शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से भेजी हमारे रेल रिपोर्टर रेल फैन हेमराज जी ने, तो हेमराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी हमें अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से वीडियोस भेज सकते हैं, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो टनकपुर हो, चाहे वो पलिया हो, चाहे वो बहराइच हो, नानपारा हो, अक्रॉस इंडिया शाहगढ़ हो, कहीं से भी आप हमें वीडियोस भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपको नजर आ रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें वीडियोस भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी करे हुए और देखते हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से आखिरकार क्या कुछ अपडेट साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। सो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं हम शाहगढ़ रेलवे स्टेशन के आउटर पर मौजूद हैं और ये जो दिशा आप देख रहे हैं ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा है। और यहाँ पर आउटर पर अंडरपास का भी कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य अंडरपास का भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं सामने किस तरह से जो अंडरपास का कार्य है वो आपको नज़र आ रहा होगा। जंक्शन बॉक्सेस यहाँ पर लगाए गए हैं, हालांकि पूरी फिक्सिंग का काम, पेंटिंग का काम वो तो अभी काफ़ी दूर है। फिलहाल अभी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं रख दिए गए हैं। और ये किस तरह से अंडरपास का पूरा कार्य आप देख सकते हैं हो रहा है। चलिए चलते हैं अब शाहगढ़ रेलवे स्टेशन की दिशा में और देखते हैं आखिरकार शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ अपडेट साफ तौर पर सामने है। ये देख सकते हैं ये दिशा है मैलानी जंक्शन की दिशा और सामने आपको नज़र आ रहा होगा शाहगढ़ रेलवे स्टेशन। तो बता दें यहाँ पर ट्रैक की भी फिटिंग का काम चल रहा है, ट्रैक सेटिंग का काम चल रहा है। और सबसे ज़्यादा आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक के ट्रैक पर बैलास्ट एक ट्रॉली नज़र आ रही होगी जिसके अंदर बैलास्ट है और बैलास्ट यहाँ पर डाला जा रहा है। बता दें शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर कुल तीन लाइंस हैं, एक दो लूप हैं, एक मेन है। अभी हम जिस पर चल रहे हैं वो हमारी रंथरू मेन लाइन है। और चलिए देखते हैं आखिरकार शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से क्या कुछ अपडेट है, कितना कार्य आखिरकार हुआ शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा कार्य किया जा रहा है। ट्रैक हालांकि यहाँ पर बिछा दिया गया था, कसा भी जा रहा है, सेट किया जा रहा है, बैलास्ट को डाला जा रहा है। और ये सामने अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो सामने आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक और प्लेटफॉर्म नंबर दो दोनों ही नज़र आ रहा होगा। और रफ्तार ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा रफ्तार तेज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने पूर्व में भी जब शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से आपको अपडेट दी थी तब से अब अगर कंपेयर करते तो ज़्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं आया है। आप देख सकते हैं जो टीन शेड का काम है, शेल्टर्स का काम है, वो भी चल रहा है और इसको पूर्ण होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जो उसके स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम होता है, वो तैयार किया जा रहा है, ना कि तैयार हो पाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक एक पोल खड़े किए गए हैं, लगाए गए हैं, सेट किए गए हैं, फिक्सिंग की गई है। वही प्लेटफॉर्म नंबर दो का हाल है और वही एक प्लेटफॉर्म नंबर एक का भी हाल है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अभी एक खाली एक मेन जो पिलर है वो लगाया गया है इसके ऊपर, और जो पूरा फ्रेम है वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद शेल्टर्स लगाए जाएंगे, फिर उसके बाद पेंटिंग, फिर वायर, फिर फैन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मतलब तो ये सब काफ़ी सारा काम अभी बचा हुआ है शेल्टर्स का भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप सामने हमारा फुटओवर ब्रिज नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन फुटओवर ब्रिज भी दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है, कहीं कहीं पर शेल्टर लगा दिया गया है, लेकिन ये देखिए आधा अधूरा ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह का अभी ब्रिज है, तो कृपया फुटओवर ब्रिज पर अभी ना जाएँ, और अभी पूरी तरीके से ये बनकर तैयार नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं तो प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अभी हम एक तरह से कह सकते हैं मिट्टी पटांग का काम चल रहा है, फ्लोरिंग का काम चल रहा है, चाहे प्लेटफॉर्म नंबर एक हो चाहे प्लेटफॉर्म नंबर दो हो। क्योंकि साफ तौर पर जाहिर है अभी कार, जैसा कि मैंने बताया, रफ्तार धीमी है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि एक माला जंगल में एनओसी का भी मसला फंसा हुआ है, जिसके बाद तमाम बीते दिनों अभी सहरामो रेलवे स्टेशन से आपको अपडेट वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको जानकारी यहाँ भी दी थी कि माला जंगल के एनओसी के चलते, क्योंकि उस माला जंगल की जो एनओसी है उसका मसला काफ़ी हाई पे पहुँच चुका है, जिसके चलते अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शाहगढ़ कार्य कंप्लीट होने में और रेल संचालन शुरू होने में देरी हो सकती है, शाहगढ़ तक भी सीआरएस करवाया जा सकता है। ऐसी उम्मीदें, देखिए ऐसे कयास लगाया जा रहा है, अभी कोई आधिकारिक गणना नहीं है इस विषय पर। तो सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर रेलिंग का काम चल रहा है, जो बाउंड्री वॉल है उसका काम चल रहा है, रेलिंग्स बनाई जा रही हैं जिन्हें पेंट किया जा रहा है। तो ये सब वाटर टैपिंग की बात करें तो पानी की टंकियाँ भी बनानी पूरी तरीके से बाकी हैं, निर्माण कार्य उसका भी चल ही रहा है, जंक्शन बॉक्सेस रखे हुए हैं। सामने पूरा शाहगढ़ रेलवे स्टेशन आपको नज़र आ रहा होगा और निर्माण कार्य भी जारी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से पसंद आई होगी, कुछ यही अपडेट आमान परिवर्तन से जुड़ी वर्तमान समय में शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से निकल कर आ रही है। आप भी हमें अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से वीडियो भेज सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको नज़र आ रहा है और इस नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें वीडियोज़ भेज सकते हैं।
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद।